स्कूल जॉब जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। आप भारत से कैसे फॉरेन कंट्री को मैन पावर भेजोगे, वर्कर्स भेजोगे काम करने के लिए, उसके ऊपर डिटेल्स में बताऊंगा। मैन पावर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू एब्रॉड। अगर आप एक रिक्रूटमेंट कंपनी हो, अगर आप एक मैन पावर सप्लाई कंपनी हो, अगर आप एक ओवरसीज मैन पावर सप्लाई कंपनी हो, तो आप मेरे टॉपिक डिटेल्स में देख सकते हो। तो मेरा करीब 30 इयर्स का 30 साल का एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, मैन पावर ओवरसीज रिक्रूटमेंट में और आपका स्टडी अब्रॉड एंड अदर कैटेगरी में। तो मेरा काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है सिंस 30 साल से 30 इयर्स में। तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, अगर मैन पावर मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहले आपको, अगर आप एक रिक्रूटमेंट कंपनी हो, फॉरेन कंट्री को आपका इंडियन वर्कर्स को भेजना चाहते हो, तो आप मेरे वीडियो डिटेल्स में देखिए। तो पहले आप कंपनी बना लीजिए, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ आप क्या क्या कंपनी का लाइसेंस चाहिए। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए, एमएसएमई सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर लीजिए, एमएसएमई सर्टिफिकेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और आपका कंपनी का नाम होना चाहिए मैन पावर सप्लाई कंपनी। अगर आपके नाम है, एग्जाम्पल आपका नाम है रकी है, रकी इंटरनेशनल मैन पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अगर ऐसे रखोगे तो क्लाइंट को मालूम पड़ेगा कि आप एक मैन पावर सप्लाई कंपनी हो। तो इंटरनेशनल रखिए, ओवरसीज रखिए, मैन पावर सप्लाई कंपनी रखिए या मैन पावर रिक्रूटमेंट कंपनी रखिए, अगर बेटर होगा आप रखिए एग्जांपल रकी इंटरनेशनल मैन पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो आपका पहला रहेगा कंपनी का नाम रहेगा, उसके बाद आप इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इंटरनेशनल मैन पावर सप्लाई रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका वेबसाइट रखिए, वेबसाइट का .in या .com रखिए, और आपका वेबसाइट में अगर मैन पावर वर्ड रहेगा, आपका वेबसाइट में मैन पावर वर्ड रहेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इंटरनेशनली जब सर्च इंजन में सर्च किया जाता है तो मैन पावर रहेगा तो जल्दी उसको कैच करेगा और सर्च इंजन में दिखाई देगा। ठीक है, ये दोनों जरूरी है। आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में आपको जाकर लाइसेंस लेने का है। 1000 प्लस लाइसेंस के लिए 50 लाख डिपॉजिट चाहिए, 50 लाख का बैंक गारंटी चाहिए, आपका इधर प्रॉपर्टी चाहिए या आपका कैश डिपॉजिट रखिए मैन पावर लाइसेंस के लिए। या अगर आपको 100 प्लस चाहिए तो आपको 8 लाख का डिपॉजिट चाहिए, आप 8 लाख का बैंक गारंटी चाहिए। तो इधर 100 प्लस लाइसेंस ले लीजिए, नहीं तो 50 लाख का 1000 प्लस लाइसेंस ले लीजिए। ओवरसीज मार्केट ओवरसीज रिक्रूटमेंट करने के लिए, ओवरसीज मैन पावर सप्लाई करने के लिए आपको लाइसेंस जरूरी है, मैन पावर लाइसेंस जरूरी है, क्योंकि अगर आप विदाउट लाइसेंस में बिजनेस करते हो तो अगर आपको कोई कंप्लेन आता है फिर आपको जेल हो सकता है, 3 महीने का नॉन अवेलेबल जेल होता है। इसलिए आप विदाउट लाइसेंस में ये बिजनेस मत करिए। अगर आपके पास मैन पावर है तो आप कोई भी 1000 प्लस लाइसेंस के अंडर में आप एज ए सप्लायर के हिसाब से काम कर सकते हैं। उसके बाद लाइसेंस अप्लाई कर लीजिए। लाइसेंस अप्लाई कैसे होता है, क्या क्या लाइसेंस चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए। तो ये लाइसेंस होने के बाद आपके पास प्राइवेट लिमिटेड लाइसेंस हो गया, एमएसएमई लाइसेंस हो गया, आपके पास मैन पावर सप्लाई लाइसेंस हो गया, तो आपके पास वेबसाइट रेडी हो गया। आपका प्रोफाइल बना लीजिए, डिजिटल प्रोफाइल, प्रिंट मीडिया प्रोफाइल, आपका बिजनेस कार्ड भी बना लीजिए, रेडी हो गया आप मार्केटिंग करने के लिए। तो पहला आप टारगेट कर लीजिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो 6 कंट्री हो गया गल्फ काउंसिल जिस कंट्रीज, ये कंट्री को टारगेट कर लीजिए पहला, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करते हैं इंडिया से। उसके बाद मालदीव्स, साउथ ऑफ इंडिया में जो कंट्री है, साउथ ऑफ इंडिया का जो इंडियन ओशन में मालदीव्स है, मालदीव्स ज़्यादा करके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रिक्रूट करता है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड होटल रिसोर्ट वर्कर्स को रिक्रूट करता है, तो मालदीव्स को टारगेट कर लीजिए। उसके बाद फार ईस्ट में आता है सिंगापुर, मलेशिया एंड आपका ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान, 3 कंट्री है जो ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर को वर्कर्स को रिक्रूट करता है। और एक बड़ा मार्केट है जापान। जापान का लोग एजिंग हो रहा है, बूढ़े हो रहे हैं, वहाँ पर वर्कर्स का कमी है, तो वहाँ का इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग स्किल्ड वर्कर्स का जरूरत है, तो जापान को टारगेट कर लीजिए। और आजकल कोविड के बाद यूरोपियन कंट्री में मैन पावर शॉर्टेजेस देखा गया है, यूरोप का लोग भी बूढ़े हो रहे हैं, एजिंग हो रहे हैं, तो यूरोप में लोगों का अभाव है, लोगों का बहुत सारा अभाव है, लोगों का कमी है। तो यूरोप में पोलैंड हो गया, पोलैंड एंड आपका रोमानिया, क्रोएशिया, जर्मनी एंड आपका चेक रिपब्लिक हो गया, देन आपका अभी नया कंट्रीज हो गया स्पेन हो गया, एंड नया कंट्री हो गया रशिया। तो ये सब कंट्री में बहुत सारे मैन पावर का ज़रूरत है। लास्ट टाइम मैंने रशिया में था तो रशिया में वर्कर्स का काफ़ी कम देखा गया है, बहुत सारे वर्कर्स का ज़रूरत है रशिया में,
तो रशिया का लास्ट टाइम न्यूज़ में वीडियो बनाया था, रशिया को करीब 3 लाख वर्कर का ज़रूरत है अभी 2-3 साल में। रशिया को 3 लाख वर्कर्स का ज़रूरत है, स्किल्ड वर्कर्स इंडिया से, वो भी ओनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड एग्री इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए 3 लाख वर्कर्स का ज़रूरत है इंडिया से रशिया को। तो रशिया, पोलैंड, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, जर्मनी, ये जो कंट्री बता दिया, और हंगरी, ये सब कंट्री को 1000 सब वर्कर्स का ज़रूरत है, तो ये कंट्री को आप टारगेट कर सकते हो। उसके बाद अफ्रीकन कंट्री, अभी कंस्ट्रक्शन बूम हो रहा है अफ्रीकन कंट्री में, हो गया नाइजीरिया में, स्किल्ड वर्कर्स एंड इंजीनियर जाते हैं नाइजीरिया, ऑयल एंड गैस के लिए नाइजीरिया जाते हैं इंजीनियर्स। इजिप्ट में जाते हैं, इजिप्ट, नाइजीरिया, घाना एंड साउथ अफ्रीका, मॉरीशस, ये कंट्री में स्किल्ड वर्कर्स एंड टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स जाते हैं। तो अनस्किल्ड वर्कर्स, लेबर वर्कर्स नहीं जाते हैं, ओनली स्किल्ड वर्कर्स, टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स जाते हैं, तो ये कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग कैसे करोगे आप, अगर इंडिया से मार्केटिंग करना चाहते हो तो इंडिया से आप क्या करोगे, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। तो आप इसी कंट्री को टारगेट करके आपको ईमेल मार्केटिंग करना है। पहले आपको वेबसाइट बना लीजिए, वेबसाइट को अट्रैक्टिव वेबसाइट बना लीजिए, वेबसाइट में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, आपका कंपनी क्या है, कहाँ का सप्लाई करते हैं, किस टाइप का वर्कर्स को रिक्रूट कर सकते हो। आप ठीक से वेबसाइट बना लीजिए, वेबसाइट का कॉन्टैक्टर्स में आपका ऑफिस एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, वाइबर, सब कुछ नंबर रेडी कर दीजिए। वेबसाइट में वीडियो रखिए। तो क्या क्या कैसे मार्केटिंग करेंगे, पहला हो गया आप अलग अलग कंट्री, जितने सारे कंट्री बता दिया, सब कंट्री का येलो पेजेस गूगल में जाकर सर्च करके, येलो पेजेस में जाकर कंपनी को सर्च करिए, कंपनी का ईमेल आईडी कलेक्ट करके डाटाबेस बना लीजिए, डाटाबेस बनाकर उनको ईमेल के द्वारा कंपनी को आपका प्रोफाइल भेजिए, एक इंट्रोडक्शन मेल भेजिए कि आप एक इंडियन रिक्रूटमेंट कंपनी है, इंडियन मैन पावर सप्लाई कंपनी है, आप वर्कर्स भेजना चाहते हैं उनका कंट्री को, तो आप हमें मौका दीजिए, हम वर्कर्स ठीक टाइम में भेज देंगे। तो ईमेल आप भेजते रहोगे, पर डे 1000 ईमेल भेजोगे तो आपको जरूर रिप्लाई आएगा, तो फिर धीरे धीरे आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वर्कर्स को भेज सकते हैं। नॉर्मली कंपनीज वीज़ा फ्री देंगे और आपको कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, अगर बीच में कोई रिक्रूटमेंट कंपनी आता है, लोकली कोई रिक्रूटमेंट कंपनी आता है तो आपको चार्ज करेंगे। और आप आपका जो ऑफिस के पास, आपका ऑफिस जो है जहाँ पर लोकेटेड है उस ऑफिस के एरिया में, आपका टाउन में, आपका सिटी में, कोई भी जो ट्रेड टेस्ट सेंटर, कोई भी ITI सेंटर होता है, ट्रेड टेस्ट सेंटर के साथ टाई अप कर लीजिए। टाई अप करने के बाद वहाँ पर ट्रेड टेस्ट करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, जितने सारे होते हैं वहाँ ट्रेड टेस्ट करा सकते हो। और आप आपका वेबसाइट को मार्केटिंग करिए, वेबसाइट मार्केटिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, तो ये सॉफ्टवेयर के द्वारा आप जितने सारे कंट्री को बता दिया उन कंट्री को टारगेट करके वेबसाइट को मार्केटिंग करोगे तो आपको वेबसाइट अलग अलग कंट्री में दिखाई देगा, तो वेबसाइट मार्केटिंग कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए, आप एक्सपो में भाग लीजिए। आप अगर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को टारगेट करते हो तो ये जो कंट्रीज़ का नाम बता दिया, अलग अलग कंट्री में एक्सपो में भाग लीजिए। एज ए एक्सपो मतलब जैसा कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का एग्जीबिशन होता है दुबई में, तो आप वहाँ पर एक स्टॉल ले लीजिए, स्टॉल में आपका कंपनी का बड़ा बैनर रहेगा, ए लीडिंग इंडियन मैन पावर सप्लाई कंपनी इन इंडिया स्पेशलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, ऐसा रहेगा, आपका ब्रोशर रहेगा, प्रोफाइल रहेगा, बिजनेस कार्ड रहेगा वहाँ पर, और वहाँ पर एक प्रोफेशनल स्टाफ एक दो रहेगा, आप भी रहोगे। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले आते हैं, जब उनको स्टाफ का रिक्वायरमेंट रहता है प्रोजेक्ट के लिए, तो आपके पास आएंगे, बात करेंगे क्या आप सप्लाई करते हो, तो आप बता सकते हैं कि हम लोग इंडिया का एक लीडिंग मैन पावर सप्लाई कंपनी है, हम आपको वर्कर सप्लाई कर सकते हैं, और आपका प्रोफाइल दे दीजिए, बिजनेस कार्ड दे दीजिए और उनका बिजनेस कार्ड ले लीजिए। अगर नॉर्मली जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, वो की पर्सन्स रहते हैं, कंपनी का चेयरमैन, कंपनी का प्रोक्योरमेंट मैनेजर, कंपनी का HR मैनेजर, कंपनी का जनरल मैनेजर, ऐसे लोग रहते हैं, उनका बिजनेस कार्ड ले लीजिए। लेने के बाद वो उनका कंट्री में चले जाएंगे, फिर उनको जब मैन पावर का रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपको ईमेल करेंगे, व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करेंगे या कॉल करेंगे, तो ये भी कर सकते हैं। और क्या करोगे, अगर आपके पास बजट है तो आप अलग अलग कंट्री को जाकर मार्केटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप UAE गया, UAE चला गया, UAE में 3 महीना रुका, 2 महीना रुका, अलग अलग कंपनी को जाकर कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर मिल के वहाँ को प्रोफाइल दीजिए, बिजनेस कार्ड दे के मार्केटिंग कर सकते हो। UAE ख़त्म हो गया, फिर सऊदी अरबिया जाइए, फिर सऊदी अरबिया से ओमान जाइए, ऐसा हर साल में 5-6 कंट्री घूमोगे तो आपको आपको मैन पावर एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। तो इससे अगर आप मार्केटिंग करोगे तो मैन पावर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है, फिर आप इंडिया आकर उनको कम्युनिकेट करके इंडिया से वर्कर्स को रेडी करके उनको टेस्ट करके उनको भेज सकते हो। और YouTube मार्केटिंग मतलब इंग्लिश में
अरबिक में, इंग्लिश में, जर्मन में, रशियन में, चाइनीज़ में, अलग अलग भाषा में आपको मार्केटिंग करोगे तो अलग अलग कंट्री के लोग आपका यूट्यूब में, यूट्यूब का जो मार्केटिंग देखेंगे वीडियो में, फिर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक रिक्रूटमेंट कंपनी हो या रिक्रूटमेंट कंपनी खोलना चाहते हो या मेन पावर सप्लाई कंपनी हो, आपको मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। हमारा कंपनी है ट्यूब रज कॉर्पोरेशन, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग करता है, वीडियो मार्केटिंग करता है, ईमेल मार्केटिंग करता है, सब कुछ हम लोग करते हैं। तो हम लोग आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करके देंगे ताकि आप ग्लोबली मार्केटिंग करके मेन पावर का एक्सपोर्ट ऑर्डर पा सकते हैं। तो अगर ये करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको मदद करूंगा। ऑल्सो अलग अलग कंट्री को जाकर आप कैसे मार्केटिंग करोगे, मैं आपको मदद कर सकता हूं। उसके लिए आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा अलग अलग कंट्री में जाकर मार्केटिंग करने के लिए। अगर आपको ऑल्सो हमारा जो woozup.com हमारा जो साइट है, यहाँ पर जाकर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ग्लोबली बड़े बड़े कंपनीज़ का की पर्सन से पढ़ते रहते हैं। अगर आप यहाँ पर आकर मार्केटिंग करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, तो आपको कंपनी, बहुत सारे बायर्स, मैन पावर इंपोर्टर्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैन पावर रिक्रूटमेंट, मैन पावर मार्केटिंग कैसे होता है, मैं आपको मदद करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।